फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द माय ब्लॉग। तो आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है, रजत चोर से ऑफिशियल। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जहांगीर महल, और जय दोस्तों जहांगीर महल का पार्ट टू। वेट नहीं करना पड़ा ज़्यादा आप लोग को, तो जब पार्ट टू आ चुका है तो चलो दिखा देता हूँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें। अभी जा रहे हैं टेरिस पे जा रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ छत पे, और अब यहाँ के आपको पूरे नज़ारे दिखाता हूँ, टेरेस के नज़ारे। चलो, तो ये है टेरेस का व्यू। दोस्तों यहाँ पे इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से रानी रामराजा के दर्शन कर सकें। इसलिए देखो सामने मंदिर भी है, चतुर्भुज भी है वहाँ पे, वो लक्ष्मी मंदिर। तो ये है यहाँ का व्यू, ये है शीश महल। दोस्तों ये है वो, ये यहाँ पे गेट, और यहाँ से ये व्यू। तो चलो आपको और नज़ारे दिखा देता हूँ मैं। फ्रेंड्स यहाँ का व्यू ज़रूर देखना प्लीज़, आप लोग आया करो यहाँ पे, यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। ये महल पुराने हो गए ना, इसलिए ऐसे हो चुके हैं। नहीं तो जब राजा लोग रहते थे तब ये बहुत सुंदर हो गए महल, पर अब पुराने हो गए इसलिए ये अब थोड़ी अलग हो गए हैं, चेंज से हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे मिलते हैं। जी है दोस्तों यहाँ का व्यू देखो, यहाँ से मस्त खुला खुला आसमान दिखता है। चाहो तो यहाँ पे भी फोटो शूट कर सकते हो, लाओ अपना कैमरा, फोटो खींचो, एडिट करो, डालो सोशल मीडिया पर, हो जाओ फेमस। यहाँ की जो ऊपर देखो थोड़ी क्या है इनके, देखो यार अब मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हैं। देखिए आप इनकी जो डिजाइनिंग है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग ये देख रहे हैं दोस्तों, ये चित्र जिन पर कलर चढ़े हैं दोस्तों, ये सन 1600 से बना हुआ है। उनकी जो कलर है ना वो गए नहीं है, 1600 बताओ अब आप लोग। फ्रेंड्स यहाँ से देखो क्या मस्त नज़ारा देखने के लिए यहाँ से बनाए। चाहो तो वहाँ पे सामने कोई खड़ा हो सकता है, यहाँ से मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं, दूर वाली फ़ोटो नहीं कितनी वैसे खींच सकते हैं। वैसे बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, आप लोग घूमने आया करो। चलो तो फ्रेंड्स मैं वहाँ के आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंधेरा है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो चलो मैं आप लोग को आगे दिखा देता हूँ कैसे नज़ारे हैं। ये यहाँ की विंडो, ये विंडो इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पे हवा आ सके, ऑक्सीजन आ सके जी मान लो, और यहाँ से राजा या रानियाँ देख सके। देखो दोस्तों सामने सामने तक रास्ता, ये प्योर भूल भुलैया लगती है मुझे। और जी है यहाँ से, जी है दोस्तों इतनी बड़ी विंडो। देखो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने जो सामने जो कोठियाँ हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, और यहाँ से भी रास्ता जा रहा है। तो जो कितनी खूबसूरत चांदनी है देखो, देखो यहाँ के नज़ारे, वहाँ से सामने से दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। अब हम लोग थोड़ी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से दिखाऊंगा कैसा व्यू दिखता है। तो चलो सीढ़ियाँ जा रही हैं, देखो से भी सीढ़ी जा रही हैं, देखो दो दो सीढ़ियाँ जा रही हैं। देखो जी जगह है, आप लोग को जे छोटा सा लग रहा होगा पर यहाँ पे देखो फ्रेंड, देखो दूर दूर तक, और यहाँ से भी आप लोग को नज़ारे दिखा दूँ अगर। देखो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं। वैसे कभी कभी किसी को डर भी लगता है चढ़ने में, फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे चाहो तो आप लोग बैठ भी सकते हो, और यहाँ से जो है पूरा महल, ये है यहाँ का व्यू फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो छत पूरा टेरेस है, ये दोस्तों यहाँ से रास्ता जाता है, और यहाँ पे नीचे का है, और यहाँ से है व्यू पूरा। देखो
यहाँ से जो पूरा रास्ता है दोस्तों, ये है पूरा व्यू, यहाँ से पूरा रिवर दिखता है। देखो वो है सामने पुल, मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था। देखो वो नदी, यहाँ से ये जा रही है दोस्तों नदी, देखो दिख रही है सामने। और वो है वहाँ पे पहाड़। ओके हम लोग जा रहे हैं नीचे, और नीचे की भी सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आप लोग भी आओ तो समझ के उतरा करो, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं लगी है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को बता दिया है, देखो ये नज़ारा, कि अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे लाइट नहीं लगी रहती है सीढ़ियों के पास, इसलिए आप प्लीज ध्यान से उतरे। और हम लोग आ चुके हैं नीचे, अभी हम लोग वहां पे थे। फ्रेंड्स ये है यहाँ का नजारा, जब तक आप लोग यहाँ के नजारे देखो। ओके आप लोग को ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, जब तक टाटा बाय बाय, सी यू।